परमेश्वर यूसुफ और उनकरी परिवार के बचावे ले। कई बरिस की बाद जब याकूब बूढ़ा हो गई ले तो उ अपनी दुलरुआ बेटा यूसुफ के अपनी भाइयन के जांच करे खातिर भेजले, जेवन उ जानवरन के झुंड देखभाल करत रहले जा। यूसुफ का भाई लोग उनसे जलन रखत रहले, काहे से कि उनकर पिता उनसे बहुत प्यार करत रहले, औरी ऐसे भी कि यूसुफ सपना में देखले रहले कि उ लोग के शासक हो जइहें। जब यूसुफ अपनी भाई लोग के पास आइले तो उ लोग उनके बात दिहले औरी दास के व्यापार करे वालन के पास बेच दिहले। घरे वापस आइला से पहले यूसुफ के भाई लोग यूसुफ के कपड़ा के फाड़ के बकरी के खून में भेद दिहले। फिर उ लोग वो कपड़ा के अपनी पिता के दिखाओले ताकि उ ई सोची है कि क्योंनो जंगली जानवर यूसुफ के मार दिहलस। याकूब बहुत उदास रहले। दासन का व्यापार करे वाला लोग उ लोग यूसुफ के मिस्र में ले गईले। नील नदी के किनारे पर बसल मिस्र एगो विशाल औरी शक्तिशाली देश रहे। उ दासन के व्यापारी करे वाला यूसुफ के एगो अमीर सरकारी अधिकारी के यहाँ दास के रूप में बेच दिहले। यूसुफ अपनी मालिक का खूब सेवा कैलन औरी परमेश्वर यूसुफ के आशीर्वाद दिहलन। उनकरी मालिक की मेहरारू यूसुफ के साथे सुतला के प्रयास कैली, लेकिन यूसुफ ई प्रकार से परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करे से इनकार कर दिहले। उ खिसिया गैली औरी यूसुफ पर झूठ मूठ का आरोप लगा दिहली। यही से उनके पकड़ के जेल में भेज दिहले। यहाँ तक तो कि जेल में भी यूसुफ परमेश्वर के प्रति सच्चा रहले औरी परमेश्वर उनके आशीर्वाद दिहले। 2 बरिस के बाद यूसुफ अब ही जेल में रहले, भलाई उ निर्दोष रहले। एक रात हिरोन जैसे कि मिस्री लोग अपने राजा के पुकारत रहले, दूगो सपना देखले जेवना से उ बहुते विचलित हो गईले। उनकर केवनो भी सलाहकार वो सपना का अर्थ ना बतैले। परमेश्वर यूसुफ के सपना का अर्थ बतावे के शक्ति देले रहले। यही से फिरौन यूसुफ के जेल से अपने पास बुलैले। यूसुफ उनके वो सपना के अर्थ बतैले और कहले कि परमेश्वर भरपूर फसल वाला 7 बरिस के बाद अकाल के 7 बरिस भेजे वाला होंगे। फिरौन यूसुफ से इतना खुश भइले कि उ उनके मिस्र का दूसरा सबसे शक्तिशाली आदमी चुना गईले। यूसुफ लोगन से अच्छी फसल वाला 7 बरिस के बीज बढ़ियार कीमत में भोजन जमा करे खातिर कहले। जब 7 बरिस का अकाल आइल तब यूसुफ लोगन के भोजन बेचले ताकि उ लोगन के पास खाए खातिर हो जा। उ अकाल खाली मिस्र में ना बल्कि कनान में भी भयंकर रहे, जहां याकूब औरी उनकर परिवार रहे। यही से याकूब अपनी सबसे बड़का बेटा के भोजन खरीदे खातिर मिस्र में भेजले। जब उ भोजन खरीदे खातिर यूसुफ के सामने खड़ा भइले तो उ भाई लोग यूसुफ के ना पहचानले, लेकिन यूसुफ उ लोगन के पहचान लिहले। ई मालूम करे खातिर कि का ई लोग बदल गइल बाड़े, उ लोगन के जांच कैला के बाद यूसुफ उ लोगन से कहले कि हम तुहार भाई यूसुफ हई, मत डरा जा। जब तू लोग
हमके दास के रूप में बेचला जा तो तू लोग बुरा करे के ठनले रहला जा, लेकिन परमेश्वर वो बुराई के भलाई के खातिर उपयोग कैलन। आवा जा औरी मिस्र में रहा जा, ताकि हम तू लोग के परिवार के खातिर भोजन का उपाय करी। जब यूसुफ का भाई घरे वापस लौटले औरी पिता याकूब के बताइले कि यूसुफ अभी भी जिंदा बाड़े, तो उ बहुत खुश भइले। यहाँ तक कि याकूब एगो बूढ़ आदमी रहले, तबो उ अपनी पूरा परिवार के साथ मिस्र में चल गइले औरी उ लोग वहाँ बस गइले। याकूब की मुआला से पहले उ अपनी हर बेटन के आशीर्वाद दिहले। वादा का उ बंधन जीवन की परमेश्वर अब्राहम से कैले रहले, उ इसहाक पर औरी ओकरी बाद याकूब औरी ओकरी बाद उनकरी बारहो बेटन पर औरी उनकरी परिवार पर आ गईल। वो बारहो बेटन पीढ़ी इसराइल का बारह गो गोत्र बन गईलन। उत्पत्ति अध्याय 37 से 50 से एगो बाइबिल का हिस्सा